आज हम बनाएंगे आंवले की खट्टी मीठी चटनी लौजी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम आंवला लिया है, आंवले को धुलकर साफ कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक कुकर में 1 कप पानी लिया है, आधा चम्मच नमक ऐड करते हैं, एक चौथाई चम्मच हल्दी ऐड करते हैं। हल्दी से आंवले का कलर अच्छा बना रहता है। कुकर में आंवला ऐड करते हैं। कुकर में ढक्कन लगा लेते हैं, 3 सीटी आने तक तेज आंच पर उबाल लेते हैं। 3 सीटी आ चुका है, इंडक्शन ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है, खोल कर चेक करते हैं, आंवला अच्छे से गल गया है। आंवले का पानी छान कर निकाल लेते हैं, आंवले का पानी फेंकेंगे नहीं। आंवले का बीज निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी आंवले का बीज निकाल कर तैयार कर लेंगे। आंवले के बीज को निकाल लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पैन गरम हो गया है, 1 चम्मच तेल ऐड करते हैं। मीडियम आंच पर रखा तेल गरम हो गया है, 1 पिंच हींग ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच कलौजी ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच सौंफ ऐड करते हैं। आंवला ऐड करते हैं। आलू को मिक्स कर लेते हैं मसाले में। स्वाद अनुसार काला नमक ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर ऐड करते हैं। सभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं, 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लेते हैं। बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भून दिया है, इसको मैश कर लेते हैं। पूरा मैश नहीं करेंगे, आधा ही मैश करेंगे। इस तरह से हमने आधे आंवले को मैश कर लिया है। मैश करने से लौजी अच्छी बनती है, गाढ़ी। 1 पिंच काली मिर्च ऐड करते हैं। कुटी हुई धनिया ऐड करते हैं। मसाले को 1 मिनट तक मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट तक मिक्स करके भून लिया है मसालों को। 500 ग्राम गुड़ ऐड करते हैं। 500 ग्राम आंवला लिया था, गुड़ को हमने बारीक तोड़ लिया है, ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है, गाढ़ा होने तक बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर पका लेते हैं। जीरा पाउडर ऐड करते हैं, 1 मिनट तक पका लेते हैं। लौची बनकर तैयार हो गई है, ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आंवले की लौजी बनकर तैयार हो गई है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी आंवले की लौजी बनकर तैयार है, सर्व करने के लिए।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।